बड़ी खुशी हो रही है कि इस उम्र में भी आप देवानंद का, देवानंद जी और आर डी बर्मन के इतने बड़े फैन है, ये सुन के बड़ी खुशी होती है मुझे। हाँ जी। और थोड़ा बैठते हो, कल कीजिए जूम कर लीजिए। हाँ जी। आप आ जाइए। हाँ जी। तो कितने सालों से ये चल रहा है आपका? एक्चुअली 1953-54 से तो पक्का है। टैक्सी ड्राइवर में तो हम मस्त थे उनके ब्रिज के ऊपर में। वाह वाह। और सुना आप भी उनके अच्छे बड़े भक्त रहे, हर वक्त उनको फॉलो करते थे, उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, उसको फॉलो अप करते थे। अच्छा। और जो म्यूजिक है वो आप भक्तों को भी सुनाई दिखाई देता है, उनका इफेक्ट म्यूजिक और सब कुछ है, उतना अच्छा लगता था हमको। तो हम उनसे इनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और कई गानों में हमारे आप देखा होगा कि थोड़ा सा वो झलक आई है आपके गानों में, उनकी झलक, उन गानों की झलक आई है। अच्छा। वो क्या क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर दिखती हो। हाँ, क्या गाना चले चले रे धारा, तुमको चलना पड़ेगा। बराबर फर्स्ट क्लास गाना। वो नदी पानी का ये पे मेरे देश की धरती में जो पक्षियों की आवाज, ये वो जो है मेरे देश की धरती है। अच्छा। कुछ उनकी वजह से हमको इंस्पिरेशन मिला। अच्छा। परमदा का ये था कि इस एज में भी जो गाने इस उम्र में भी करते थे, वो ऐसा लगता था कि 16 साल का आदमी रोमांस जो है वो उनका झलक था, ये बहुत बड़ी बात थी। लास्ट तक उनका रोमांस का झलक था। बड़ा मुश्किल होता है आदमी, क्या होता है सडन एज के बाद फिलोसॉफिकल हो जाता है, जीवन को समझने लगता है, फिर रोमांस एक टेम्पररी चीज हो जाती है, मगर उन्होंने उसको करा रखा है और हर वक्त उन्होंने ये किया। और मुझे खुशी इस बात की कि आपने जिनको सिलेक्ट किया है वो बहुत अच्छे कंपोजर थे, मतलब आप भी अच्छे सिलेक्ट करेंगे ये कहना पड़ेगा। थैंक यू। तो म्यूजिक तो सभी देते हैं, लेकिन कई जो लोग होते हैं जो गिने चुने होते हैं कि जिनका काम बहुत अच्छा होता है, कितना पॉपुलर हुआ है उनकी बात नहीं है, लेकिन अच्छे कारीगर, अच्छे कलाकार, ये जो आपने अच्छे सिंगर भी, और आज आप मेरे पास आए इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की, इस बहाने आपको मिले एक दूसरे से। बहुत खुशी हमें भी बहुत हुई, बहुत मन था, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया गाने दिए हैं दोनों भाइयों ने, तो इसके लिए आपने बढ़िया। अच्छा। जनरली मैंने ये देखा कि जो सोशली जनरली जॉइंट फैमिली में जो रह चुके हैं ना, हाँ, अक्सर क्या होता है आदमी कहीं साथ बिछड़ा हुआ है, फैमिली है कि नहीं है, तो उनको ये फीलिंग नहीं मिलती, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, बाबू का ये घर पूरी, और इस तरह के गाने जो है वो जॉइंट फैमिली वाला ही कर सकता है, तो उनको दिन भर वो चलते रहता है ना घर। हाँ। कौन से गाने बोले अभी आपने दोनों? बाबुल का ये घर पूरी दिन का ठीक गाना है। हाँ। बेटियों का गाना है जैसे कि ये था मेरी प्यारी बहन या। अच्छा, बराबर, सही बात, तो फैमिली वाले जो फैमिली के गाने हैं। अच्छा। छोड़ दे बाबू, सारी दुनिया किसी के लिए, तो बाबुल प्यारे, इस तरह के गाने जो है वो फैमिली वाले के। और जैसे कि ये साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। अच्छा अच्छा, आपने एक बात कही है कि उनको कोई म्यूजिशियन चाहिए था, तो वो आजीवा में लोग क्या बात? वो क्या था कि रिलेशन था ना, वो बड़े थे कलाई भाई, उनकी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि कलाई भाई उनके पास बजाते थे, तो एक दोस्ती ऐसी हो जाती ना, उसके लिए म्यूजिशियन और ये नहीं था, लेकिन एक से हो गए थे, तो उनको ये लगता था कि मेरे कोई आदमी है। अच्छा। तो वो अपना समझ के हमको बोलते थे, कभी कभी उनको कोई म्यूजिक चाहिए अपना, उनका भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, आरडी का भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो कलेज भाई को फोन करते थे कि आज मुझे ट्रम्पेट चाहिए, आरडी के पंजाब के पास कमीशन है, उनको बोल दो मेरे को भेज देंगे। कलेज भाई बोलते आप नहीं बोल सकते, बोले हट, मैं अपने बच्चे को बोलूंगा, क्या तुम बोलो। अच्छा। इस कलर के आदमी थे, मतलब। अच्छा, कल्याण जी भाई से बहुत क्लोज थे। हाँ, क्लोज भी थे, और वो अपना समझते थे हमको, जैसे मैं पान खाता तो वो पान खाते थे, हम बाहर पहुँच जाए कहीं दिल्ली में, तो उनके कमरे में पान नहीं भेजे तो गुस्सा करते थे, फोन करते थे। अच्छा। तो भाई तू सबसे कुछ हुआ नहीं, प्लेट नहीं आया, तुमने पान क्यों नहीं भेजा अभी तक, तो बोला हाँ सॉरी सॉरी मैं भेजता हूँ, वो जल्दी उठते थे, पहले उठ जाता, फिर उनको अपने सिंधी पापड़ और ये जो पापड़ है बहुत पसंद आते थे। अच्छा। तो कभी कभी होता है कि दो महीने में भेजो, जल्दी ख़त्म हो गया, कभी नहीं होता करते। अच्छा। तो भेजो उनको, तो बोलते थे पापड़ नहीं आया कितने दिन से, तो भूल गया मेरे को, फिर वो कुछ परवाह नहीं है मेरी, मतलब जैसे आपने घर का आदमी होता है ना ऐसे बात करते, अच्छा, तुमको मेरी परवाह नहीं है, तुम ध्यान नहीं रखते मेरा, ऐसा हो सकता। अच्छा। सब कुछ होता था, तो ये ऐसे सीधे सादे आदमी थे, सिंपल थे, नहीं तो तौर तरीके और भी होते पूछने के, तो भी पापड़ भेज दे रहा बहुत दिन से पापड़ नहीं आया, ये एक अपनापन से पूछते, अपनापन से पूछते थे। अच्छा, उनके गाने के बारे में, उनके म्यूजिक के बारे में, उनके गाने जो है वो कभी वो पॉपुलर गाना होगा कि नहीं, इसके लिए सिचुएशन भी अच्छा है कि नहीं, देखते थे,
और उनका कमांड था। कई बार होता है कि म्यूजिक डायरेक्टर हावी हो जाता है डायरेक्टर पे, तो ये हर वक्त हावी रहे कि भाई मैं इधर यही गाना दूँगा, इसको कुछ और नहीं करूँगा। तो डायरेक्टर कुछ भी बोले बोले कि तेरे पक्का नहीं है, मैं ये करूँ। डायरेक्टर कुछ भी बोले उसको बोल देंगे। हाँ, उसको बोलेंगे तेरे काम नहीं। और काम भी कम करते थे ना, साल में दो पिक्चर कर लिया, तीसरे पिक्चर कोई आए तो उसको बोले तेरे पक्का नहीं है, दो पिक्चर में कर रहा हूँ मैं, अभी इस साल कुछ नहीं करूँगा, अगले साल आना मेरे पास। अच्छा, तो लालची भी नहीं थे कि भाई पैसे के लिए ज़्यादा काम आ जाए, ऐसा कुछ नहीं करते। डायरेक्टर को बोल देंगे सीधा। हाँ, सबको मालूम था कि ऐसा है। अभी जैसे उनका गाना करना है, अभी जैसे दिसंबर चल रहा है, फरवरी में गाना करना है, तो उन्होंने सोच लिया कि ये गाना मुझे फरवरी में करना है। तो दुबे जी हैं, रफी साहब है, लता जी को पूछते थे कि फरवरी में तेरी आवाज़ कैसी रहेगी। तेरी आवाज़? अच्छा, फरवरी में कितने महीने पहले पूछते थे? दो महीने, तीन महीने, कभी छः महीने भी हो जाते थे। तेरी आवाज़ कैसी रहेगी? हाँ, तो तेरी आवाज़ छः महीने कैसी रहेगी? बोले दादा ठीक रहेगी। बोले देख, मेरा एक से दस में मेरा गाना कभी भी मैं करूँगा, उस दिन किसी का गाना नहीं लेना, तेरी आवाज़ मेरे को ठीक चाहिए दस दिन के लिए। तो ये कलाकार ऐसे थे, उनको मालूम थे रेडली तीन तीन गाने गाने वाले लोग हैं। हाँ, मगर वो अपने पंडितों को यही था कि मेरी आवाज तुमको मुझे चाहिए, ऐसी आप रेडली चाहिए। तो एक इस दुनिया के लोग नहीं थे कलाकार, अलग चीज थे। आज के कवर से जो बातें हैं कहाँ पे हो जाएगा, डबिंग कर लेंगे, नहीं है तो वो नहीं है, वो नहीं था, वो एक बड़ी बात नहीं था। अच्छा, लेकिन खुशी होती है कि आपने ऐसे कलाकारों को, आर डी बर्मन भी बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन क्या था दोनों में, नहीं तो जनरली होता एक ही रिकॉर्ड चल रही है तो दूसरा तो जाते नहीं था। मॉरली ये होता कि भाई आपकी रिकॉर्ड चल रही है तो मैं नहीं आऊँगा, लेकिन हमारे वहाँ ऐसा नहीं था। उनकी रिकॉर्डिंग तो हम जाके बैठ जाते थे, हमारी रिकॉर्डिंग तो वो आके आज जल्दी आ गए तो बैठ जाते थे। ऐसा नहीं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा उनको ये नहीं था। संबंध फादर से बाप से चलता आया होगा, तो नेचुरली लड़के को भी कमर्शियल वो नहीं था। कमर्शियल उस जमाने में वैसे सब लोग अच्छे थे, कोई फिर भी वो होता था कि जस्ट किसी की रिकॉर्ड चली तो और कोई जाएगा नहीं। अच्छा, तो वो एक अच्छे के लिए होता था कि भाई उनके खत्म हो जाए काम, फिर वो बोलेंगे काम खत्म हो गया अब आधर आ जाओ, तो उनकी अब गाना नहीं सुनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये तो आके बैठते थे आराम से बैठ कर बातचीत होती थी। फिर आडी का कभी कभी होता था, वो कुछ हम लोग कॉमेडी गाने जो बनाते थे उनको करना होता था, ऐसा था उनको फोन करके बोले आप किस टाइप का मुझे गाना करना है, मैं आता हूँ जरा मुझे बोलना इसमें क्या करना है, इतनी खुली बात होती थी। अच्छा, अभी दादा भी यहाँ पे जैसे क्लाइंट पे जाते थे काम करने के लिए, तो काम कर रहे हैं तो काम करते वक्त वो बजाते बजाते लंच टाइम हो गया, टी टाइम हो गया। हाँ, तो दादा बोलेंगे अभी तुम लोग जाओ, मेरे चाय पीने का टाइम हो गया, यहाँ खाने का टाइम हो गया, चाय पीने का टाइम हो गया, चाय बोलेंगे लंच, चाय बोलेंगे, चाय के लिए टाइम हो गया। हाँ, मैं अभी चाय पीऊँ तुम जाओ, ये नहीं कि हाँ भाई सब चाय पियो, वो नहीं, कोई बुरा भी नहीं मानता। अच्छा, और टाइम के पक्के थे? टाइम का वो भी काम करते थे, काम करने का तरीका उनका अलग था ना, कोई ऐसे। अच्छा, कल्याणी भाई ने आपको याद है कौन सी पिक्चर में बजाया है? क्या बहुत सारे पिक्चर बनाया है, क्या वो ये उनका ये काम बंद करो तो भी आपको सर जो तेरा चक्कर आए जो दिल डूबा जाए तो आप आपसे लगता है आप कोई सही मालिश कर रहा है ऐसा लगता है आपको। अच्छा, जैसे होटल से ऐसी बीच में जगह के आई, अंदर से गाना स्टार्ट किया बाद में उभरा, ऐसे बहुत करता पहले तो उभरा है ना, लेकिन उन्होंने वो किया बराबर। तो वो क्या था एक उनमें हाथ एक मुझे चाहिए वो चाहिए वो ऐसा नहीं कि अच्छा बाजे पे बैठ के कभी गाना नहीं करते थे, वैसे ही बैठेंगे बाजा दूसरे बजा रहा है फिर बजा रहे हैं हाथ तो अच्छा नहीं आया। अच्छा, अभी दिमाग में आपके अच्छा नहीं है तो उसको क्या बोलना है, उसको क्या मालूम, बस वो मजा भी दादा जो भी काम करते थे बड़ा मजा। He was a great admirer of a person. As a person, he was a great person. As a human being, he was a nice person. कभी किसी को हाई नहीं, कभी किसी का ये नहीं, कभी वो नहीं। अपने काम, अपनी दुनिया, अपने अपनी दुनिया, अपनी दुनिया में रहते थे, अपनी दुनिया में रहते थे। अच्छा, नहीं तो होता नहीं कि किसी में क्या चल रहा है, किसका क्या चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो भी उनको काम ज़्यादा करना ही नहीं था, शौक से काम करते थे। जैसे हम लोगों ने भी यही किया कि सामने से काम आया उसको करो, अगर अच्छा नहीं लगता कि ये बच्चे का काम हम नहीं अच्छा कर सकते तो हम बोलते दिए हमारे काम का नहीं तो आते ना हड़बड़ी में कुछ भी दे दो सिचुएशन नहीं है तो हम बोलते थे कि ये नहीं काम कर सकते, हमको तो सिचुएशन मिले कि भाई ये ऐसी कैरेक्टर है उसके लिए गाना बनाना है तो जाके काम करना। अच्छा, किशोर और दादा का कुछ इंटरेक्शन आपको याद है?
अब उनके साथ तो बहुत काम किया, हम शुरू से ही उनके काम करते थे, वो अभी पर्सनली उनकी सिटिंग में तो हम बैठे नहीं तो कैसे बोलेंगे। अच्छा, लेकिन उनके भी दादा का बहुत किस्से वो सुनाते रहते थे, बड़ा मजा आता था। तो उनके जो किस्से हैं वो किसी को दुखी करने के लिए, अपनी पर्सनल जिंदगी में उनको क्या क्या लगता था वो सुनने। लेकिन ये पॉजिटिव एवरी सॉन्ग उसको अच्छी तरह से करना है, वो करके रात को कभी फोन करेंगे बोल देते कि भाई जो रात को 12:30 बजे मेरे को नींद नहीं आ रही है, ये अंतरा मैंने किया है, तुमको कैसा लगता है? बोल भी दादा सुना और शर्म नहीं आती तेरे को, तू आर्टिस्ट है, अभी मैं बोलता हूँ पहले गा मेरे को सुना, तो ऐसे करते। अच्छा, और उनको कोई मना भी नहीं करता था, उनको इतना रिस्पेक्ट था कि हर आदमी उनके सामने लता जी हों, मुकेश जी हों, रफी साहब हों, कोई भी हों, तो सब उनको रिस्पेक्ट करते। वो क्लोज किससे थे? अच्छा, तू इधर आ। बस ठीक है, आप काफी बिजी हैं, हमने सुना है आपके बारे में। हाँ। और अच्छा है, हमको खुशी है। देखिए ऐसा है कि ईश्वर ने अभी तक लेकिन एक्टिव रहा हूँ, वर्क करने का भी मजा आता कुछ, क्योंकि अपन सिंधी गुजराती ये सब लोग सोशल कामों में लगे रहते हैं। गाना बंद कर दिया, चुप आवाज नहीं देने का, गाना सुनो गाना, और फिर खुद बैठ गया। तो उसके बाद हर गाने के बाद किसी ने ताली नहीं बजाई घर के बाहर के, दादा को पसंद नहीं आया तो फिर बीच में बोले 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 से गाना खत्म हो जाओ उसके बाद बजाओ चलेगा। आनंद भाई ये जो प्रोग्राम था ये कहाँ आया था प्रोग्राम? ये रंग भवन में प्रोग्राम था। हाँ जी, वहाँ पे कुछ ऑर्केस्ट्रा में गाने अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे। हाँ। तो कई लोगों ने एकदम अच्छे गाने पे स्टार्ट हो गया और लता जी गाया स्टार्ट किया, तो आराम के बाद इनको ताली मारी तो इन्होंने बोले चुप, ऑर्केस्ट्रा को बंद कर दिया, पब्लिक को बोला चुप हो जाओ, लिसन, डोंट प्ले, डोंट डिस्टर्ब, और खुद बैठ गए एंजॉय करो और बीच में डिस्टर्ब मत करो। तो ये नहीं कि वाह वाह मेरी हो रही है तो उसको खुद हो जाए, उनको वाह वाह की परवाह नहीं थी। ये ऐसे ही कलाकार करते हैं।